विंध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते उत्तरे सापि विंध्यस्य भगीरथ्यभि धीयते एव मुक्त्वाद् गता गंगा कलया वन संस्थिता गंगेश्वरं तु यः पश्येत् स्नात्वा शिप्रां भाषिभिः। यह श्लोक बताता है कि कुंभ का त्योहार कुंभ मेला किन चार नदियों के किनारे लगता है। लाखों श्रद्धालु इनफैक्ट करोड़ों श्रद्धालु अब तक नहा चुके होंगे कुंभ में स्नान हर जहां जहां पे ये लगता है, लेकिन सबको इसके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा कि क्या इसका प्रमाण था, क्या इसका साक्ष्य था और क्या इसके पीछे कारण था। तो यह वीडियो बनाने का एकमात्र यही माध्यम है या फिर एकमात्र यही उद्देश्य है कि आपको पता चले कि कुंभ का इतिहास क्या रहा था। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना जीएजीएस मेंटर शरद सर स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कुंभ के इतिहास के बारे में आज चर्चा होगी और उसी के बारे में आज बातें भी होगी। आप भी जो कुछ जानते होंगे, अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग और आपका कमेंट हमारे उत्साह को और बढ़ाता है कि ताकि हम आपको और भी अद्भुत चीजें देते हैं। तो सबसे पहला लिखित प्रमाण हमारे इस महाकुंभ मेले का वेन सॉन्ग के दरबार, वेन सॉन्ग जो कि एक तीर्थयात्री है और हर्षवर्धन के दरबार में आता है चाइना से, इसने अपनी पुस्तक में इस महाकुंभ का जिक्र किया था। और इसके बाद पौराणिक कथाओं का अगर जिक्र किया जाए तो पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया हुआ था देवताओं को कि जब तुम राक्षसों से तुम्हारी लड़ाई होगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, राक्षसों और इंद्र के सेना के बीच में जब लड़ाई हुई यानी देवताओं के बीच में, तो देवतागढ़ कमजोर पड़ गए। और जब देवतागढ़ कमजोर पड़ गए तो वो कहां भागे हैं? वो भागे हैं भगवान विष्णु जी के पास कि प्रभु हमको बचा लो। भगवान विष्णु ने राक्षसों और देवताओं के बीच एक संधि समझौता कराने के लिए बोला कि काम करो, समुद्र मंथन करवा लो। या पता तो होगा समुद्र मंथन, बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसी समुद्र मंथन से एक कुंभ निकला हुआ था। कुंभ यानी घड़ा, और उस घड़े में अमृत भरा हुआ था, उस घड़े में अमृत भरा हुआ था। अब अमृत के ऊपर राक्षस लोग अधिकार कर लेते तो महाप्रलय हो जाता। तो देवताओं के इशारे पर इंद्र का बेटा जयंत वह कलश वह कुंभ वह घड़ा अमृत वाला लेके भाग जाता है, लेके उड़ जाता है और राक्षस लोग उसका पीछा करते हैं और इसमें युद्ध होता है एक बार फिर से देवताओं और राक्षसों के बीच में। यह युद्ध कहा जाता है स्वर्ग लोक में 12 दिनों तक चला, और स्वर्ग लोक का या फिर ईश्वर का 12 दिन पृथ्वी पे 12 वर्षों के बराबर होता है। अच्छा, इसके पीछे अभी भी एक कारण बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जिस दौरान यह युद्ध चल रहा था उस दौरान 12 दिनों में 4 जगह पे मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर 4 जगह पर 4 स्थान पर 4 बूंद अमृत का गिरा। कहां कहां पे गिरा? वही पे गिरा जहां पे आज वर्तमान समय में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है हर 3 वर्षों में। पहला बूंद गिरा प्रयागराज में यानी इलाहाबाद, दूसरा बूंद गिरा है हरिद्वार में यानी उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, और तीसरा बूंद गिरा है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, चौथा गिरा है मेरे दोस्तों नासिक, और कहां पे? गोदावरी नदी के पास। इन्हीं 4 जगहों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हर 3-3 वर्षों पर यह कुंभ का मेला का आयोजन होता है, और अल्टरनेट अगर देखा जाए तो हर 12 वर्ष में एक जगह का नंबर आता है। लेकिन इसमें प्रयागराज और हरिद्वार बड़ा ही खास है, यहाँ पे हर 6-6 साल पर अर्ध कुंभ भी होता है। किसी पौराणिक कहानियों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि महाकुंभ, अर्धकुंभ और कुंभ, अर्धकुंभ हर 6 वर्षों के पश्चात लगता है और महाकुंभ कहा जाता है या फिर महाकुंभ कहा जाता है, पूर्ण कुंभ कहा जाता है कि यह 12 वर्षों के पश्चात लगता है। एक है महाकुंभ, और महाकुंभ प्रयागराज में सिर्फ लगता है, यह 144 वर्षों के पश्चात लगता है। दोस्तों, अलग अलग किताबों के अध्ययन से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, हो सकता है कि आपको कहीं और कुछ और भी मिल जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे इस प्रकार से लगता है, और इस बार हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन है या फिर यूं कहें पूर्ण कुंभ का आयोजन है हरिद्वार नगरी में। कुछ स्नान हो भी चुके हैं, कुछ स्नान अभी बाकी भी हैं, शाही स्नान लोगों का आवागमन जारी हो चुका है। तो यह ख्याल रहा कि आप सभी लोग के बीच में इस महाकुंभ का बताया जाए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तिथि निर्धारित कैसे होती है, कि कैसे पता चलता है कि इस बार हरिद्वार में लगेगा, कैसे यह पता चल जाता है कि इस बार प्रयाग में लगेगा। तो आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। जिस दौरान ये युद्ध चल रहा था कलश के लिए, अमृत वाले कलश के लिए, कहां पे? अंतरिक्ष में या फिर स्वर्ग लोक में 12 दिनों वाला युद्ध।
इस बीच में कुछ जो राशियां हैं, कुछ ग्रह हैं, उन्होंने हमारी मदद की थी। नौ ग्रहों में चार तो बड़े विशेष हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि, इन्होंने हमारी रक्षा की थी, हमारे उस अमृत कलश की रक्षा की थी। किस प्रकार से लगता है प्रयागराज में और हरिद्वार में, आइए समझते हैं। तो हरिद्वार में कुंभ तब लगेगा जब सूर्य मकर राशि या सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेगा और साथ ही साथ बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तब तो यह लगेगा मेरे दोस्तों कहां, हरिद्वार में, जो कि इस बार संयोग बना है। प्रयागराज की बात करें तो सूर्य ग्रह जब मकर राशि में और बृहस्पति ग्रह जब वृषभ राशि में प्रवेश करता है तब यह प्रयागराज में लगता है। नासिक की बात की जाए तो सूर्य ग्रह और बृहस्पति दोनों एक साथ जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब यह नासिक यानी गोदावरी नदी के किनारे लगता है। उज्जैन की अगर बात की जाए, सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तब यह लगता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और उज्जैन में जब लगता है तो इसी को बोला जाता है सिंहस्थ कुंभ बोला जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह चीज समझ में आई होगी कि किस प्रकार से इस तरीके के कुंभ लगते हैं और किस प्रकार से इनकी तिथि का और स्थान का आयोजन किया जाता है। और आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।